देश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां चंद पैसों की खातिर कुछ लोग कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफनों का व्यापार करने से भी बाज नहीं आ रहे, बल्कि कोरोना संक्रमण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस ने एक ऐसे ग्रुप को गिरफ्तार किया है जो शमशान घाट व कब्रिस्तान से कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफन व कपड़े चोरी करता था और उन्हें व्यापारियों को सस्ते दाम पर बेच देता था, जिसके बाद खरीदने वाले व्यापारी उन्हीं कपड़ों को ब्रांडेड कंपनियों का स्टीकर लगाकर महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे खरीदने वाले लोगों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था। पुलिस ने गिरोह के पास से बड़ी संख्या में मुर्दों को उड़ाकर शमशान घाट कब्रिस्तान लाई जाने वाली चादरों सहित कपड़े नामी कंपनियों के स्टीकर आदि बरामद किए हैं। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर से लोग अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं, तो वहीं दूसरी और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस कोरोना संक्रमण में मरे हुए लोगों के कफन का भी व्यापार करने से बाज नहीं आ रहे। जनपद की बड़ोस कोतवाली पुलिस ने ऐसे 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो शमशान और कब्रिस्तान में दीवार फांद कर मुर्दों के कपड़े कफन चोरी किया करते थे, जिसके बाद उन पर ब्रांडेड कंपनियों का ये लोगो स्टीकर लगा देते और उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया करते थे, जिससे लोगों में कोरोना संक्रमण भी फैल रहा था। दरअसल गिरोह के इन लोगों का व्यापारी चोरी के कफन और कपड़े पहुंचाने का अफसर था, जिसके बाद खरीदने वाले व्यापारी उन पर बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टीकर चिपका देते। पुलिस ने ऐसे व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 520 मुर्दों की चादर, 127 कुर्ते, 140 सफेद कमीज सहित महिलाओं के भी कपड़े बरामद किए हैं, जिनमें कोरोना संक्रमित मुर्दों के कपड़े और कफन शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के पैकिंग रिबन और स्टीकर भी अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किए हैं। कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं, वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुरा कर उनको धोकर और पुनः उसके फर्जी स्टीकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौद थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं, और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। ये जो भी शमशान में शवदाह के लिए जा रहे हैं, तो वहां सभी के कपड़े ये इस तरीके से करके नए करके बेचते हैं धोखे। पुलिस को काफी दिनों से ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, इस पे पुलिस ने एक्शन लिया।